दूसरे सुपर ओवर में जीता भारत, अफगानिस्तान को किया क्लीन स्वीप, ऐसा रहा सांस रोक देने वाला मुकाबला। तो दोस्तों क्या कुछ रहा भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए इस पूरे रोमांचक मैच का हाल बताएंगे आपको। पूरे मैच से लेकर दोनों सुपर ओवर की फुल हाइलाइट्स इस वीडियो में पूरी विस्तार से पूरी डिटेल में। तो दोस्तों पूरे मैच का हाल जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए तीसरे T20 का नतीजा एक नहीं बल्कि दो सुपर ओवर के जरिए निकाला गया। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 20 ओवर में 4 विकेट पर 212 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। टीम के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने 69 गेंदों में सबसे बड़ी 121 रनों की पारी खेली जिसमें 11 चौके और 8 छक्के शामिल रहे। इसके अलावा रिंकू सिंह ने 39 गेंदों में 2 चौके और 6 छक्के लगाकर 69 रन बनाए। इस दौरान अफगानिस्तान के लिए फरीद अहमद ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। लच का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 212 रन स्कोर कर मुकाबला टाई करवा लिया। इस दौरान अफगान टीम के लिए गुलाब दीन नयब ने सबसे बड़ी 55 रनों की पारी खेली जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। इसके अलावा ओपनिंग पर उतरे रहमुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने 50-50 रन बनाए। इस बीच भारत के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। स्कोर लेवल के बाद मुकाबले का नतीजा निकालने के लिए दोनों टीमें मैदान पर सुपर ओवर के लिए उतरी। पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान टीम ने 1 विकेट पर 16 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। भारत के लिए पहला सुपर ओवर मुकेश कुमार ने डाला। 17 रनों के लच का पीछा करने उतरी टीम इंडिया भी 16 रन बना सकी और सुपर ओवर भी टाई पर खत्म हुआ। इस दौरान अफगानिस्तान के लिए अजमतुल्लाह ने ओवर फेंका। भारत को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 2 रनों की दरकार थी लेकिन स्ट्राइक पर मौजूद यशस्वी जायसवाल 1 रन ही बना सके थे। फिर दूसरे ओवर में पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने ऑल आउट होकर 11 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए जिसके बाद एक पल को ऐसा लगा कि भारत मुकाबला गंवा देगा लेकिन रवि बिश्नोई ने ऐसा होने नहीं दिया। लच का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान को बिश्नोई ने 3 ही गेंदों में 2 विकेट गिराकर ऑल आउट कर दिया। 12 रनों के लच का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान टीम सिर्फ 1 ही रन बना सकी। इस तरह दूसरे सुपर ओवर में भारत ने 10 रनों से जीत दर्ज की। इसके साथ ही भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 से जीत हासिल की।